नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस सिंप्लीफाइड चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए गए हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जॉइंट यूजर ट्रायल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा आज हेलिना यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALS ध्रुव से राजस्थान के पोखरण रेंज में सफल परीक्षण किया गया है, जहां पिछले कुछ दिनों में हेलिना के लगभग 5 मिशन्स को डिफरेंट मोड्स में कैरी आउट किया गया है। इन मिशन्स में हेलिना को उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पे टेस्ट किया गया है, जहां इस मिसाइल को होवर और मैक्स फॉरवर्ड फ्लाइट में स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स के खिलाफ टेस्ट करके देखा गया है। कुछ मिशन्स में इस मिसाइल ने वॉरहेड भी कैरी किया था, जिसे पुराने डीकमीशन टैंक्स के खिलाफ भी टेस्ट करके देखा गया है। इन ट्रायल्स के सक्सेसफुली कंडक्ट होने के बाद अब यह मिसाइल हमारी आर्म फोर्सेज में इंडक्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, जहां इसे ALS ध्रुव पे बेस्ड रुद्र हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से यूज किया जाएगा। हेलिना यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि अपने टारगेट्स को दोनों डायरेक्ट हिट मोड और टॉप अटैक मोड में इंगेज करने में सक्षम है। इस मिसाइल की गाइडेंस के लिए इंफ्रारेड सीकर का यूज किया जाता है, जो कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में काम करती है। बाकी यह मिसाइल एक फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल है और इस मिसाइल को ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज के साथ बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम रेंज 7 से 8 किलोमीटर की है और अगर इस मिसाइल को किसी टैंक पे टारगेट किया जाता है तो यह मिसाइल उस टैंक के कन्वेंशनल आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर दोनों को नष्ट करने में सक्षम है। इन ट्रायल्स की सक्सेस के बाद अब हेलिना मिसाइल को रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दोनों से ऑपरेट किया जाएगा और एक टाइम पे यह हेलीकॉप्टर्स 8 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे। जहां इस मिसाइल के आर्मी वर्जन को हेलिना कहा गया है, वहीं इंडियन एयरफोर्स अपने वर्जन को ध्रुवास्त्र के नाम से बुलाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।